सीताराम मंदिर पिंजौर के पास जेसीबी मशीन ने गली उखाड़ते वक्त पेयजल पाइपलाइन तोड़ी। टूटी सड़क में फंसा ऑटो रिक्शा गली में लगा जाम, लोग हुए परेशान। वीरवार को सीताराम मंदिर पिंजौर के पास एक जेसीबी मशीन द्वारा गली की भूमिगत पेयजल पाइपलाइन तोड़ दी, जिस कारण गली में पानी ही पानी इकट्ठा हो गया। वहीं यहां पर गली में गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा भी टूटी गली के कीचड़ में धंस गया और फंस गया, जिस कारण यह गली में दोनों ओर जाम लग गया था। पैदल राहगीरों के लिए भी आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। यहाँ पर सीताराम मंदिर के पास काफ़ी दिनों से गली को बीच में ही उखाड़ कर अधूरा छोड़ रखा है, जिससे यहाँ पर कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव महिला पवन कुमारी शर्मा ने भी आरोप लगाए थे। गलियों के निर्माण को लेकर भाजपा नेताओं ने नारियल फोड़कर गलियों को जल्द निर्माण करवाने की घोषणा की थी, लेकिन सड़कें और गलियां शहर की टूटी फूटी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। यहां पर लोगों ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पवन कुमारी शर्मा को समस्याओं से भी अवगत कराया था, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार को पिंजौर शहर की जनता की ज़रा भी परवाह नहीं है, तभी गलियां अधूरी छोड़ रखी हैं। यहां पर लोगों ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव महिला पवन कुमारी शर्मा को भी पिंजौर शहर की गलियों और सड़कों की समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन गलियां अभी तक टूटी फूटी पड़ी हैं। ना तो निर्माण हो रहा है, ना ही गलियों की रिपेयर हो पा रही है। जी, मुझे कुछ टाइम पहले ही दीपा जी ने बताया था कि यहाँ पे बारिश का मौसम था और तीन लोग, एक बुजुर्ग लेडी थी और दो बंदे थे, वो यहाँ पे इस बिल्कुल मंदिर के आगे खड्डे में गिर गए हैं। और लेकिन नगर परिषद सिर्फ नारियल फोड़ने पर लगा हुआ है, ये नहीं देखते कि नारियल फोड़ने के वो अंजाम भी देना होता है। अंजाम का तो कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ वाह वाही लूटने के लिए ये काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद जनता सब जानती है और वो देख रही है कि किस तरह से नारियल फोड़ने के बाद ये काम को रोक दिया गया। अकाल का पिंजौर सबका बुरा हाल है, आप सब विकास देख रहे हैं कि किस तरह से भरपूर विकास हो रहा है। जनता वोट की चोट से जवाब देगी और ये आप देखिएगा, क्योंकि जनता बहुत दुखी है बीजेपी सरकार से, उनके प्रशासन से, और आने वाले समय में निश्चित ही कांग्रेस सरकार बनेगी।